जिला बिलासपुर के 35 किलोमीटर दूर रतनपुर धार पर आज भी राजा दयानंद का 300 साल पुराना किला व कालकोठरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण किले की खस्ता हालत दयनीय हो गई है। शिवरात्रि के दो दिन हजारों लोग किले में मौजूद शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर तक जाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। मंदिर तक पक्का रास्ता न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मंदिर में 3 कारागार मौजूद हैं। जो लोग राजा के आदेश नहीं मानते थे उन्हें इन काल कोठरियों में रखा जाता था। ये 300 साल पुरानी है। यहाँ पर एक पुराना शिवलिंग भी है। शिवलिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का मानना है कि जो भी शिवलिंग के सामने नंदी बैल विराजमान है, वहाँ पर जो लोग अपनी मुराद मांगते हैं वे हमेशा ही पूरी होती है। शिवरात्रि पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कोठरी नागानंद बाबा आनंद अखाड़ा ने बताया कि इस शिवलिंग की स्थापना राजाओं के समय में की गई थी। उस समय से यहाँ पर एक बोड़ी मौजूद है जिसमें से 24 घंटे पानी बहता रहता है। ये पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। गर्मियों में ये पानी ठंडा हो जाता है और सर्दियों में ये पानी गर्म भी हो जाता है। मंदिर व कारागार की दीवारों में उसमें की चित्रकला देखी जा सकती है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मंदिर पर शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी सही ढंग से देखरेख न होने से 300 साल पुराने दौरान बने इस किले की हालत दयनीय बनी हुई है। इस मंदिर में एक ऐसी लिपि है, इसे पढ़ना असंभव है क्योंकि इस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ सकता। जिला बिलासपुर भाषा सांस्कृतिक अधिकारी नीलम चंदेल ने बताया कि इन जगहों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में रिपोर्ट भेजी जाएगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मां के दर्शनार्थ पहुंचे। वहीं प्रशासनिक अमला भी उनके स्वागतार्थ खड़ा नजर आया। समूचे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया और साफ सुथरा किया हुआ था। मंदिर में आसपास के सफाई अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा साफ सुथरी और दुरुस्त दिखाई दी। बड़े बड़े वाद्य यंत्रों और भजनंत्रियों के साथ उनका स्वागत किया गया और वहीं मंदिर के स्थानीय पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर मां नैना की स्तुति विधिवत रूप से संपन्न करवाई। दर्शन उपरांत मां के हवन कुंड में आहुति डाल कन्या पूजन कर अपनी यात्रा का समापन किया। मंदिर न्यास के सभी कार्यों का ब्योरा और लेखा जोखा भी मंदिर न्यास अधिकारियों के द्वारा मांगा गया, जिस पर जिला उपायुक्त राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि मंदिर न्यास यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधार्थ 24 घंटे निस्वार्थ रूप से उनकी सहायता के लिए तत्पर है। वहीं इस वर्ष नव प्रकल्प भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से श्री नैना देवी जी के इर्द गिर्द हेलीपैड का निर्माण करवाना और वृद्ध आश्रम का खोलना भी प्रस्तावित है। मंदिर उपायुक्त ने बताया कि जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष मां के दर्शन करने आते हैं, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीपैड का निर्माण करना भी बहुत आवश्यक है, ताकि ये क्षेत्र जल्द से जल्द हेली सुविधाओं से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु मां के दर नतमस्तक हो सके। वहीं वृद्ध आश्रम भी संचालित करना मंदिर न्यास का एक प्रस्तावित कदम है, जिस पर मंदिर न्यास में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पश्चात उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का प्रचार लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस समय क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर दोनों मुख्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर पश्चात विधानसभा क्षेत्र के सरानहा पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने पश्चात से प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए जनता से समर्थन की अपील करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत हासिल करने में जनता से समर्थन की मांग की। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चात चुनाव में सबको मिलकर चलाने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है और उपचुनाव में भी इसी प्रकार लोगों का सहयोग मिलने वाला है। आईटीआई मंडी के कैंपस में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। ये साक्षात्कार गुजरात की सुजुकी मोटर द्वारा
लिया गया। साक्षात्कार में ऊना व मंडी आईटीआई में लिखित परीक्षा में पास हुए 160 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 121 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगरा ने दी।